हाय गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश सब हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, ये चेहरा पहली बार देख रहे हो, हाय, माय नेम इज स्वाति। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा। आज है 29th of November एंड आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि क्या करूँ, चैनल है, ब्लॉग करेंगे और क्या करेंगे। सो अभी मैं नीचे आई हुई हूँ क्योंकि दीदी ऊपर बना रही है मैगी और मुझे यहाँ से सामान लेना था। आप इस रूम की कंडीशन देख सकते हो, यहाँ पे सारे मेहमानों के आने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ है। सो मैं आई थी यहाँ पे टमाटो केचप लेने। सो चलो चलते हैं। मुझे नहीं पता दिन कैसे जाने वाला है बिल्कुल भी। थोड़ा सा हाँ प्लान किया है आज कहीं जाना है, बट वो भी प्लान अभी श्योर नहीं है। तो वो अभी एक घंटे में कन्फर्म होगा। तो अगर वो कन्फर्म होता है और हम लोग जाते हैं तो मैं आपको फाइनली बता ही दूंगी। ऑब्वियसली बात है, आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। बट अभी नाश्ता करना है, घर ठीक करना है, और मैंने, आप देख सकते हो मेरे बालों में अत्यंत लेवल का ऑयल डला हुआ है। तो मैं सोची थोड़ा एलोवेरा लगा लूँ, और एलोवेरा लगाने के बाद में फिर मैं इसको वॉश करूँगी। सो ये कुछ छोटे मोटे 3-4 काम है वो करने हैं। तो मैं आपको अपडेट करती हूँ, तब तक के सी माय रूम्स कंडीशन। इधर वाला पार्ट तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता अब, क्योंकि वो तो ऐसे ही रहने वाला है अभी। और इनको सबको मुझे फोल्ड करना है एंड अपडेट दे देती हूँ मैं। आप देख रहे हो ऊपर, वहाँ पे फ्रेम बन चुका है। आज उस पर वो जो स्लाइडिंग पल्ले होते हैं वो लग जाएंगे वहाँ पे। तो अभी प्रोसेस में आज फाइनली हो सकता है कि वो काम हो जाए। तो बाकी तो आप मेरे रूम की मैस देख ही सकते हो ऑली। सो आई एम हैविंग गुनगुना पानी। तो मैं ये फिनिश करती हूँ और फिर ये सब थोड़ा थोड़ा समेटती हूँ। दिस इज दीदी की न्यू सिलाई मशीन। ये है उषा की ड्रीम स्टिच। और दीदी ने हमारे सपने कर दिए पूरे। और दीदी इतनी पागल हो गई है इसको देख के, इतनी पागल हो चुकी है कि सबके कपड़े ले रहे के सिले जा रही है, सिले जा रही है। सारा कुछ आज ही सिल देंगी। लेकिन ये मशीन टॉप की मशीन है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सारा कुछ मशीन करेगी, बस आपको मशीन को कपड़ा देना है। अपनी शादी में इससे बड़ी मशीन लेंगे। यस दीदी, मेरा कुर्ता स्टिच कर रही है। हाँ वो उसने बैठे बैठे बोल दिया। मैं पूरे 10 वो वाले लूँगी जिसमें पूरे 10 वो यूज़ हो जाए, जिसमें 10 के 10 वो यूज हो जाए। अभी मैं आपको इस मशीन के कुछ शॉट्स देती हूँ, तो आप जब तक वो देखिए। राइट नाउ इट्स 1 और प्लान में, जैसे मैंने बोला था, अगर डिसाइड होता है एक घंटे में तो मैं आपको बताऊंगी। सो वो प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि आज हमारा प्लान था दीदी की फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का। हाँ, एज अ दीदी थोड़ा सा छोटी सी पार्टी थ्रो कर रही थी अपने फ्रेंड्स के लिए, बट इतने सारे काम आ गए हैं। आज 29th है, 1st of December को हमारे यहाँ गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो दैट्स वाई अभी हमने डिसाइड किया कि हम पहले घर के सारे काम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। घर के सारे काम इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें पैकिंग करनी है, गिफ्ट रैप करने हैं, और जो चीज़ें हमें, मतलब दीदी की जो शादी हो रही है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो हमने वेन्यू सेट किया है वहाँ पे हो रही है। तो यहाँ से सामान शिफ्ट करना है, वो आपको धीरे धीरे आगे वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे सारा कुछ फैला हुआ है, अभी बहुत ही मैसी हालत है। तो धीरे धीरे ये निपटाना है, तो वी आर डिसाइडेड टू डू दैट। और अब मुझे आज अपना भी पर्सनली, मतलब मुझे हैंड वैक्स कराना है। तो अभी मैं देखती हूँ, पार्लर वाली आंटी से बात करती हूँ कि कब आ जाऊँ मैं और क्या। सो मैं होपफुली आज उसके लिए जाऊँगी और मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँगी। बट अभी फ़िलहाल प्लान यही है कि हमको ये सब सारा कुछ निपटाना है। सो हम वो करते हैं, और अभी तक फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जा रही हूँ।
लुक एट द कंडीशन ऑफ माई रूम. आप यहाँ से एंटर हो, अपना पाथ बनाओ और वहाँ से बैठ सकते हो आप. बाकी सब मतलब आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी कि आप कहाँ बैठ सकते हो. लेकिन ठीक है, 2-3 दिन की बात और है बस, फिर तो ये सब क्लियर होने वाला है. एंड आई डोंट नो कि मैं कैसे फेस करने वाली हूँ, बट अब मुझे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि दीदी जाने वाली है. मेरी कंडीशन देखो, एंड अभी मैं वैक्स करा के आई हूँ, शाम के 4 बज रहे हैं, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और अब मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ और अब मैं खाना खाऊंगी. बहुत मतलब आप कंडीशन देखो मेरी, मैंने सुबह से एलोवेरा सर में लगाया, अभी तक वॉश नहीं किया है. एंड आई नो कि ये ब्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है इधर उधर, लेकिन क्या करूँ, पैकिंग वगैरह हो रही है. दीदी ने तो बहुत हद तक रूम साफ़ कर दिया है, सारा कुछ जितना भी पैक होना था वो कर दिया है. सो लेट सी शाम को और क्या होता है, बट अभी फ़िलहाल मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है. काफ़ी दिन बाद प्रॉपर सनसेट देखने को मिला है एंड सो ब्यूटीफुल. हे गाइस, तो राइट नाउ इट्स 6, मैंने नहा लिया, हेयर वगैरह वॉश कर लिया है, अभी आई एम हैविंग टी और चाय पीने के बाद मुझे जाना है स्टिचिंग कराने के लिए. सो एक सूट मैंने और दीदी ने फाइनल किया था एक फंक्शन के लिए, तो उसका जो दुपट्टा है, जैसे पटियाला प्रॉपर जो पंजाबी पटियाला होता है वो सूट है, बट उसका दुपट्टा वो बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा ही हैवी है, तो मुझे वो कैरी नहीं करना था. तो वी थॉट कि हम एक गोल्डन दुपट्टा बनवा लेते हैं, तो मैं एक नेट लेके आई हूँ. ये हमें कुछ 150 समथिंग का पड़ा. हाँ, ये पूरा नेट है, 2.25 मीटर का है. उसके बाद हम लेके आए कराची लेस, ये वाली. तो वी थॉट कि हम इसको ऐसे लगवा देंगे और ये एक प्रॉपर गोल्डन दुपट्टा बन जाएगा, तो ये किसी के साथ भी चला जाएगा. तो मुझे ये कराने जाना है, कुछ सूट है जो अल्टर कराने जाना है, और चाय पीने के बाद मैं वहाँ जाती हूँ. उसके बाद आज भाई और पापा विशाल मेगा मार्ट गए थे और सरप्राइजिंगली वो 2 टी शर्ट्स लेके आए हैं, भाई मेरे लिए लेके आया है. तो एक ये है, इसका कलर मरून सा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है. तो ये लेकिन ये थोड़ी सी लॉन्ग है, बट मुझे अच्छी लगती है ऐसी लूज सी टी शर्ट. तो वो 2 कलर लेके आया है, एक ब्लू और एक ये. वो ये मुझे दे रहा है क्योंकि उसके पास ये कलर बहुत हैं और वो ये खुद रखने वाला है. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ दोनों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं वो रखूँगी. और बाकी अभी मैं चाय पी लेती हूँ जल्दी से, फिर मुझे स्टिचिंग के लिए स्टिचिंग कराने जाना है. सो मैं चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ. सो एज यू कैन सी, अभी वो फ्रेम के अंदर लगा के गए स्लाइडिंग के लिए, यहाँ पे काम चल रहा था, अभी वो नीचे गए. एंड दीदी दीदी का थोड़ा सा दीदी को हेडेक हो रहा है, तो दीदी सो रही है, बट अब मैं उनको उठाने वाली हूँ. आई एम हैविंग टी. आज ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद मैं आपको रात में इसको बताती हूँ ये कैसा लग रहा है. आई एम बैक. मैं स्टिचिंग के लिए दुपट्टा वगैरह डाल रही हूँ, आंटी ने कल का टाइम दिया है. और अभी दीदी के जो बन्ना बन्नी होते हैं, लाइक गीत शुरू होते हैं शादी वाले, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. तो वो अभी शाम को होंगे 8-9 बजे करीब. तो उसके लिए जब लोग जाते हैं रिटर्न में, तो उन लोगों को बताशा दिया जाता है. सो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं उसको उसकी जो पैकेट्स बनते हैं, पुड़िया टाइप बनती है, कागज़ में बेसिकली उसको रैप किया जाता है, तो अभी मैं वो करने जा रही हूँ. उसके बाद हम लोगों को गिफ्ट्स जो हैं वो रैप करने हैं, दीदी जाने वाली है, मम्मी की पैकिंग करने. तो दीदी पैकिंग करेगी, तब तक मैं गिफ्ट्स रैप कर लूँगी. अभी मैं बताशे जो हैं उनको कागज़ में रैप कर लेती हूँ. सॉरी मैं हाफ रही हूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी रिटर्न आई हूँ स्टिचिंग के लिए सब कुछ डाल के. सो जल्दी जल्दी पैक कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ऐसे जाता है पता ही नहीं चलता है. अभी मम्मी खाने की तैयारी करेंगी. एक्चुअली खाना भी हमने 4 बजे ही खाया है, तो शायद ही अब, क्योंकि आज मम्मी का भी फास्ट आज पूर्णिमा है. तो अभी पहले
वो करते हैं, क्योंकि जब सब आ जाते हैं गीत गाने वाले, तो नीचे उन लोगों को चाय देना, पानी देना और सौंफ वगैरह देना, तो थोड़ा सा बिजी हो जाता है उस टाइम पे। तो मैं अभी पहले ये कर लेती हूँ, एंड दैट्स हाउ शादी की प्रिपरेशन इज गोइंग। तो जल्दी से मैं बताशा पैक करती हूँ पहले। हे गाइस, आई एम सो सॉरी कि मुझे इस नोट पे ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी एंड नहीं करना चाहती थी, बट अभी मुझे बहुत सारा काम है। जैसे मैंने बताया, मुझे डिशेज क्लीन करनी है, उसके बाद मुझे नीचे जाना है सारे इंतज़ाम करने, जो आंटियाँ आती हैं गाना गाने वगैरह के लिए, तो वो सब करना है। एंड उसका जो क्लिप है वो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगी, और कल मंडे है तो मुझे इस ब्लॉग को आज ही एडिट करना है। मैं रात को 11:30-12 बजे फ्री होती हूँ, और मैं उसके बाद ऐसे सोती हूँ ना कि मुझे सच में होश नहीं रहता है कि मुझे फ़ोन चलाना है या कुछ भी नहीं। सो दैट्स वाई मैं डिले नहीं करना चाहती हूँ। होपफुली मैं अभी इसको काम करने के बाद एडिट कर दूँगी, और जो वो वाली क्लिप है वो भी मैं ऐड कर दूँगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, और ये वाली जो एंडिंग है वो लास्ट में डाल दूँगी, मतलब एडिट कर दूँगी इन द सेंस। दिस व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ 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 गाइज सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन, जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले, एंड कमेंट डाउन बिलो, एक कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग आई गेस थर्सडे को आ सकता है, अदरवाइज थर्सडे को दीदी की वो मैं चलो आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।